वंस अगेन वेलकम बैक फ्रेंड्स, मेरा नाम है नायाब और आप देख रहे हैं बीच फिटनेस। सो फ्रेंड्स, चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ, लेट्स गेट इनटू द बिजनेस। और कैसे सारे लौंडे लपाटे, मैं इस वीडियो में आपको ब्लास्टिंग एंड क्रूजिंग के बारे में बताऊंगा, जिसके लिए TRT को समझना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैंने देखा कि YouTube में बहुत सारे ऐसे वीडियोस आ रहे हैं जिसको एक्चुअल में जो बॉडी बिल्डर्स हैं वो नहीं बनाते हैं, जो लड़के हैं 25-26 साल के, इधर उधर से नॉलेज एक्वायर करके और गूगल से नॉलेज लेकर वीडियो बना रहे हैं। एक्चुअली अच्छा है, नॉलेज फैलाना अच्छा है, लेकिन एक क्लियर कट आइडिया आपको एक बॉडी बिल्डर ही दे पाएगा जो 11-12 साल का एक्सपीरियंस है जिसके पास और जो प्रैक्टिकली ये सारे चीज़ों को फेस कर चुका है। तो ब्लास्टिंग एंड क्रूजिंग होता क्या है, सबसे पहले TRT को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। TRT किन लोगों के लिए होता है, जिनको हाइपोगोनेडिज्म का प्रॉब्लम होता है, मतलब कि क्रॉनिक टेस्टोस्टेरोन श्रिंकेज का शिकार है, मतलब कि उनका जो टेस्टिकल्स है इनफ टेस्टोस्टेरोन लेवल प्रोड्यूस नहीं कर पा रहा है, जिसकी वजह से उनका लाइफस्टाइल सफ़र करता है, बॉडी में फैट परसेंटेज बढ़ जाता है, लेथर्जी लगता है, उनका क्वालिटी ऑफ लाइफ उनका सैक्रिफाइस होता है। एक्चुअल में TRT दे नीड इट, नो जोक, उनको ज़रूरत है, लेकिन बॉडी बिल्डर्स इसको एब्यूज़ करते हैं। सपोज़ किसी ने 12 वीक्स का साइकिल चलाया, उसके बाद 2 वीक्स उसको एस्टर क्लियरेंस का टाइम चाहिए, उसके बाद वो PCT करता है, मतलब टोटल टाइम ड्यूरेशन कितना हो गया है, 18 वीक्स वो साइकिल पर था और 18 वीक्स उसको ऑफ रहना पड़ेगा। लेकिन ब्लास्टिंग एंड क्रूजिंग में होता क्या है, उसने 12 वीक का साइकिल किया, उसके बाद कोई PCT नहीं किया, उसके बाद वो 12 वीक का क्रूजिंग करता है। क्रूजिंग मतलब क्या, TRT करना, और TRT का डोज क्या होता है, 150 mg से 175 mg, लेकिन ये पर्सन टू पर्सन वैरी करता है, उसका ब्लड वर्क देखकर वैरी करता है। बहुत सारे बंदे अपने से एक डोज लेकर चलते हैं और करने लगते हैं, लेकिन कोई अगर 200 mg पर वीक टेस्टोस्टेरोन ले रहा है तो वो क्रूजिंग नहीं कर रहा है, वो TRT नहीं कर रहा है, वो साइकिल ही रन कर रहा है। तो ये चीज़ें समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैंने इन दिनों देखा है कि 20 से 22 साल के लड़के TRT कर रहे हैं, ये बहुत ज़्यादा फैटल है, बिकॉज डूइंग TRT एट दिस एज विल डिस्ट्रॉय योर चांसेस ऑफ गेटिंग चिल्ड्रन इन योर लेटर लाइफ। बिकॉज अगर आप 5-6 साल तक TRT पर रहते हो तो आपका जो नेचुरल टेस्टोस्टेरोन लेवल है वो कभी दोबारा वापस नहीं आ पाएगा, बिकॉज सप्रेशन बहुत ज़्यादा हो चुका है। अगर आप दोबारा लाना भी चाहते हो तो ये कभी वापस नहीं आ पाएगा, एंड हो सकता है कि आपको ज़िंदगी भर TRT पर ही रहना पड़े, क्योंकि अगर जब वापस आते हो तो आपका आपका क्वालिटी ऑफ लाइफ सेक्रीफाइस होगा, मोटापा, डिप्रेशन और कोर्टिसोल लेवल काफ़ी बढ़ जाएगा, तो आपको TRT पर ही रहना पड़ेगा, अपने पूरे लाइफ स्पैन आपको गुजारना पड़ेगा, एंड चांसेस ऑफ गेटिंग बेबीज विल टेंड्स टू जीरो। मैंने लड़कों को देखा है कि अभी जब 20-22 साल के होते हैं तो वो लोग बोलते हैं कि फक आई डोंट वांट बेबीज, बट यू हैव टू थिंक अबाउट योर फ्यूचर। हमेशा लाइफ एक जैसा नहीं रहता है, टाइम चेंजेस एंड योर प्रायोरिटीज चेंजेस। जब आपके लाइफ में राइट वोमेन आती है देन आपका प्रायोरिटी बदलता है, आप बेबीज़ के बारे में सोचते हो, हैविंग ए बेबीज़, एंड उस वक्त आप क्या करोगे अगर TRT पे होते हो तो आपका लाइफ सेक्रीफाइस होगा, क्वालिटी ऑफ लाइफ सेक्रीफाइस होगा, रिलेशनशिप हैम्पर होगा, बिकॉज TRT पर रहने की वजह से आप बेबीज़ नहीं कर पा रहे हो तो आपका लाइफ ख़राब होगा। सो यू हैव टू थिंक अबाउट फ्यूचर एंड टाइम चेंजेस एंड एवरीथिंग चेंजेस। तो अभी जोश में हो आप 20-22 साल की उम्र में, देन आप डिसीज़न लेते हो, TRT करते हो, देन आप 7-8 साल के बाद सब कुछ बंद करके बेबीज़ लाने का ट्राई करते हो, देन आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल नेचुरल नहीं आ पा रहा है। सो मैं बोलूँगा TRT अगर आप 20-22 के हो तो कभी मत करो। जो प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर है ऑलरेडी है बेबी, अगर नहीं भी है, उनका लाइफस्टाइल है, उनका पैसा आता है तो वो करते हैं, लेकिन उनका भी जो चांसेस है बेबीज़ होने का
बहुत कम हो जाता है इन देयर फ्यूचर। तो आप फ्यूचर को कभी इग्नोर नहीं कर सकते हो, जो अभी है वो बाद में चेंज होगा, आपका प्रायोरिटी चेंज होगा, आपका डिसीजन चेंज होगा, एंड बाद में जब आप राइट वुमेन से मिलोगे देन आपका माइंड सेट चेंज होगा, देन यू वॉन्ट टू हैव ए बेबी, देन उस वक्त आपके पास कुछ भी नहीं होगा एंड यू हैव टू फेस द म्यूज। सो फ्रेंड्स, ब्लास्टिंग एंड क्रूजिंग को समझना बहुत ईजी है। आपने 12 वीक का साइकिल किया, साइकिल के बाद आप सब कुछ ऑफ कर देते हो, ओनली टेस्टोस्टेरोन को आप पर वीक 150 से 175 mg लेकर चलते हो और 12 वीक इस तरह चलाते हो, देन अगेन वो यू स्टार्ट अगेन, आप साइकिल बढ़ा देते हो, डेका वगैरह ऐड कर लेते हो, अगेन आप TRT करते हो, यहाँ PCT भी नहीं करते हो, कुछ नहीं कर रहे हो, डोज बढ़ रहा है देन TRT, डोज बढ़ रहा है देन TRT, इस तरह आप चलते रहते हो और आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल सप्रेस काफ़ी हो जाता है। मैंने देखा है कि YouTube में एक्चुअली में बीटिंग अराउंड द बुश करते हैं, वो ये नहीं बताते हैं कि वो 12 वीक्स का साइकिल करते हैं उसके बाद वो ओनली टेस्टोस्टेरोन चलाते हैं। उन लोगों के कहने से ये समझ में आता है कि वो हर चीज़ का डोज, लाइक डेका का डोज थोड़ा सा कम कर दे रहे हैं, ट्रेन का डोज थोड़ा कम कर दे रहे हैं, लेकिन वो क्रूजिंग में वो सारे चीज़ भी यूज़ कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। क्रूजिंग में ओनली TRT किया जाता है, टेस्टोस्टेरोन साइपोनेट जो स्लो एक्टिंग है या टेस्टोस्टेरोन एनन्थेट जो स्लो एक्टिंग है 150 mg से 175 mg पर वीक लिया जाता है, जिसको क्रूजिंग कहते हैं और TRT भी इसी को बोला जाता है। लेकिन बहुत सारे कन्फ्यूजन क्रिएट करते हैं लोग जस्ट बिकॉज वो ये सारे रास्ते से गुजर नहीं चुके हैं। ये प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से होता है जब आप ये चीज़ खुद पे रन करते हो और दूसरे बॉडी बिल्डर से अपने क्लाइंट्स पे आप करवाते हो। सो फ्रेंड्स, मैंने इस वीडियो में आपको ब्लास्टिंग एंड क्रूजिंग के बारे में बताया, जो कि 12 वीक का करते हैं, उसके बाद ओनली TRT करते हैं 12 वीक का, देन अगेन वो लोग ब्लास्ट करते हैं, बहुत सारा कंपाउंड यूज़ करते हैं, देन अगेन 12 वीक का TRT, देन ये चलता ही रहता है, नॉन स्टॉप, कभी स्टॉप नहीं होता है। सो आपको एक आइडिया लग गया होगा कि किस तरह ब्लास्टिंग एंड क्रूजिंग किया जाता है, और क्रूजिंग में बहुत सारे बॉडी बिल्डर साम्स भी ऐड करते हैं इन ब्रिज। तो फ्रेंड, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और जो रेड बटन निकल गया उसको भी टक 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 जरूर दबाना।